फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ शराब, देख रही मेरा यूट्यूब चैनल नर्सिंग लेक्चर एंड ऑफ फ्रेंड्स। तो जैसे कि हमने मैंने बताया था कि आप लोगों को मैं जो CHO जो अभी ऐड हुआ है, ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकेंड, यानी कि जो BSc नर्सिंग फोर्थ ईयर की स्टूडेंट्स हैं उनके कम्युनिटी जो सब्जेक्ट है, ठीक है, उसमें ऐड हुआ है CHO का सिलेबस, ठीक है, और साथ में पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग वालों के लिए भी ये ऐड हुआ है, ठीक है। तो आप जितने भी BSc नर्सिंग फोर्थ ईयर वाले हैं, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग वाले हैं, उनके कम्युनिटी सब्जेक्ट में CHO का सिलेबस ऐड हो चुका है। तो उस टॉपिक को हम क्लियर करने वाले हैं, मतलब कि एक एक टॉपिक को हम लोग यहाँ पे एक एक वीडियो में डील करेंगे, डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और आप लोगों को अगर सिलेबस चाहिए तो मेरा पिछला वीडियो देख लीजिएगा, इसका पूरा जो जो टॉपिक ऐड हुआ है वो आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक, तो आप लोग की कम्युनिटी में है ही, तो हम लोग सेकंड टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सेकंड टॉपिक है आप लोग का हेल्थ मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। हेल्थ मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम है सेकंड CHO सिलेबस में जो है आपका। फर्स्ट जो है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, वो तो आप लोग के सेकेंड यूनिट में है ही कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में, और तो इसलिए मैंने फर्स्ट टॉपिक का नहीं बताया है, ये सेकंड से स्टार्ट करें हम लोग हेल्थ मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम का, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हेल्थ मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब करने से आपको बहुत सारे फ़ायदे हैं, चलिए वो फ़ायदे भी बता देती हूँ। फर्स्ट की आपको नर्सिंग नोट्स मिल जा रहे हैं यहाँ, ठीक है। सेकेंड बात की इसमें नर्सिंग वैकेंसी मिल जाएगी ऑल इंडिया के ऑल स्टेट से। थर्ड की इसमें नर्सिंग न्यूज़, कितने एग्ज़ाम हो रहे हैं, टाइम टेबल कब आ रहा है, किसका एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रहा है, सारा न्यूज़, साथ में पैरामेडिकल की भी वैकेंसी मिल जाएगी इसमें। तो फ्रेंड्स, एक सब्सक्राइब करने से आपको इतने सारे फ़ायदे हैं, तो आपको एक सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता, ठीक है। तो वैसे तो बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब कर ही दिया है, साथ में वीडियो को लाइक भी करते हैं, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही मेरा मोटिवेशनल बढ़ाइए ताकि मैं आप लोगों के लिए डेली ऐसे वीडियो लेकर के आ सकूँ। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा ये क्लासेस, हेल्थ मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। तो आप लोगों ने MIS करके आप लोगों ने मैनेजमेंट में पढ़ा होगा, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम जिसको बोलते हैं। यही मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम कहाँ लागू होता है, हेल्थ सेक्टर यानी कि हॉस्पिटल में, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं HMIS, ठीक है। देखते हैं डेफिनेशन, हेल्थ इन्फॉर्मेशन सिस्टम इज दैट सिस्टम इन विच कलेक्शन, यूटिलाइजेशन, एनालिसिस एंड ट्रांसमिशन ऑफ इन्फॉर्मेशन इज डन फॉर कंडक्टिंग हेल्थ सर्विसेज, ट्रेनिंग एंड रिसर्च, ठीक है। तो हेल्थ इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या है, ये तो आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ क्या होता है कि जो भी इन्फॉर्मेशन रहता है, जो भी डाटा रहता है, उसको कलेक्ट किया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है, यूटिलाइज करने के बाद उसको एनालिसिस किया जाता है, एनालिसिस करने के बाद उसको क्या किया जाता है, ट्रांसमिशन, ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ इन्फॉर्मेशन इज डन, ठीक है, ट्रांसमिशन करने के बाद फॉर कंडक्टिंग हेल्थ सर्विसेज, हेल्थ सर्विस को कंडक्ट करने के लिए, कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए या रिसर्च करने के लिए, ये सारी जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है, हेल्थ इन्फॉर्मेशन, हेल्थ मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। तो ये हुआ हमारा डेफिनेशन कि क्या होता है हेल्थ इन्फॉर्मेशन सिस्टम, इज दैट सिस्टम क्या है, एक सिस्टम है जिसमें कलेक्शन, यूटिलाइजेशन, एनालिसिस एंड ट्रांसमिशन ऑफ इन्फॉर्मेशन इज डन फॉर कंडक्टिंग हेल्थ सर्विसेज, ट्रेनिंग एंड रिसर्च, ठीक है। तो ये फर्स्ट डेफिनेशन हुआ, सेकंड देखते हैं शॉर्ट में इसको, HIMIS में H आ गया है, ठीक है, यहाँ पे हॉस्पिटल या हेल्थ दोनों होते हैं इसका मतलब। तो हेल्थ मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम इज डिफाइंड एज अ सिस्टमैटिक दैट प्रोवाइड्स अप टू डेट, रिलायबल, कंप्लीट एंड टाइमली इंफॉर्मेशन टू हेल्थ मैनेजर्स एट वेरियस लेवल इन ऑर्डर टू मेक वेल इन्फॉर्म्ड मैनेजमेंट डिसीजन अबाउट प्रॉब्लम परफॉर्मेंस एंड ऑपरेशंस, ठीक है। तो यहाँ पे हेल्थ मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम का डेफिनेशन बहुत अच्छा दिया हुआ है कि क्या है, ये भी एक सिस्टम ही है जो कि प्रोवाइड करता है अप टू डेट जितने भी डेली के डाटा होते हैं वो सबको देता है, रिलायबल यानी कि जिसकी रिलायबिलिटी होती है, कंप्लीट एंड टाइमली इन्फॉर्मेशन, ठीक है। हेल्थ मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या है, ये क्या है, डाटा प्रोवाइड करते हैं अप टू डेट डाटा जो कि रिलायबल होते हैं, कंप्लीट होते हैं और टाइमली इन्फॉर्मेशन होते हैं, हेल्थ मैनेजर टू हेल्थ मैनेजर को इन्फॉर्म करते हैं, ठीक है, एट वेरियस लेवल, और जितने भी हेल्थ सेक्टर का जो लेवल है सारे लेवल से डाटा का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हेल्थ मैनेजर को लेना होता है, इन ऑर्डर टू मेक वेल इन्फॉर्म्ड मैनेजमेंट, ताकि
वो वेल अच्छे से इन्फॉर्मेशन जो मैनेजमेंट है उसको कर सके और डिसीजन ले सके कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है हमारा हेल्थ मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट मैनेजमेंट एज वेल एज एन इपिडीमोलॉजिकल टूल्स। ये एक इम्पॉर्टेंट मैनेजमेंट के साथ साथ क्या है, इपिडीमोलॉजिकल टूल्स भी है। फिर देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ HIMS, हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा ये। ठीक, तो यहाँ पे टू प्रोवाइड रिलायबल लेटेस्ट एंड यूजफुल हेल्थ इंफॉर्मेशन टू ऑल लेवल ऑफ हेल्थ ऑफिसर एंड एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, ये क्या करता है कि यूजफुल रिलायबल लेटेस्ट, ठीक है, हेल्थ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, सारे लेवल का, ऑल लेवल के, किसको, हेल्थ ऑफिसर एंड एडमिनिस्ट्रेटर को। जैसे कि कोई भी हॉस्पिटल में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है या हेल्थ ऑफिसर है, उनको जो सब सब जो कोऑर्डिनेट है, ठीक है, सब कोऑर्डिनेटर जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन, सारे लेवल के इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके अपने हेड को देंगे। ठीक है, तो और वो इन्फॉर्मेशन कैसा होगा, यूजफुल होगा, रिलायबल होगा, लेटेस्ट न्यू रहेंगे। ठीक है, वो क्या कहलाता है, मतलब इसके लिए मेन इनका ऑब्जेक्टिव है टू अमेंड हेल्थ पॉलिसी एंड वर्किंग सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ फीडबैक रिसीव्ड फ्रॉम द हेल्थ इन्फॉर्मेशन सिस्टम। और यहाँ पे क्या करते हैं कि जो भी हेल्थ पॉलिसी है और जो वर्किंग सिस्टम है उस सबको, मतलब जो जितना भी फीडबैक मिलता है हेल्थ इन्फॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे देखा जाता है कि पॉलिसी, वर्किंग एरिया, वर्किंग सिस्टम में क्या चेंजेस कर सकते हैं और क्या कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ये सब जो है हेल्थ इन्फॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू पता चल जाता है। टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट पीरियोडिकली एंड टाइम बाउंड प्रोग्राम एंड फॉर मिड टर्म इवोल्यूशन। ठीक है, और ये क्या करता है, जो पीरियोडिकली जो इन्फॉर्मेशंस रहते हैं उसके बारे में भी अपन को जानकारी देता है, इन्फॉर्मेशन देता है। टू कंट्रीब्यूट टूवर्ड अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ हेल्थ पॉलिसी एंड प्रोग्राम। और ये क्या करता है कि किसी भी पॉलिसी या प्रोग्राम को अचीव करने में हेल्प करता है, जितने भी इन्फॉर्मेशन रहेंगे। ठीक है, टू इंक्रीज इफिशियंसी एंड क्वालिटी इन हेल्थ मैनेजमेंट। और ये क्या करता है कि हेल्थ के जो मैनेजमेंट है वहाँ पे क्वालिटी और इफिशियंसी को इंक्रीज करता है। ठीक है, फिर आता है कैरेक्टरिस्टिक अकॉर्डिंग टू WHO, हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक, तो देखते हैं, द इन्फॉर्मेशन शुड बी प्रॉब्लम ओरिएंटेड। इन्फॉर्मेशन हमारा कैसा होना चाहिए, प्रॉब्लम ओरिएंटेड, यानी कि उस इन्फॉर्मेशन से हमको क्या प्रॉब्लम है वो दिख जाना चाहिए, ऐसा हमारा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। इन्फॉर्मेशन शुड बी पॉपुलेशन बेस्ड, और मतलब जो भी प्रॉब्लम होगा वो तो पॉपुलेशन की ही होगा ना, तो जो भी हमारा इन्फॉर्मेशन है वो पॉपुलेशन बेस्ड होना चाहिए। फंक्शनल एंड डायरेक्शनल वर्डिंग शुड बी यूज, और जितने भी फंक्शनल और डायरेक्शनल वर्ड है वो यूज़ होना चाहिए। इन्फॉर्मेशन शुड बी एक्सप्रेस्ड इन अ शॉर्ट एंड इन इमेजिनेटिव फॉर्म। ठीक है, तो जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगा वो बहुत ईजी, बहुत ज़्यादा ही शॉर्ट होना चाहिए ताकि ईजिली समझ आ जाए जो ऑफिसर्स हैं, ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनको, और उसका इमेजिनेटिव फॉर्म में होना चाहिए, जैसे कि ग्राफ, चार्ट, टेबल, ये सारा का यूज़ करके अपन क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करेंगे। फिर फैसिलिटी फॉर डाटा फीडबैक मस्ट बी प्रेजेंट इन हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम। और जो है फैसिलिटी फॉर डाटा फीडबैक, तो यहाँ पे जो है फैसिलिटी होना चाहिए डाटा के फीडबैक मतलब प्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, फिर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी शुड बी यूज इन अ हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम। और अपन को क्या करना है, जो भी इंफॉर्मेशन उसको प्रेजेंट करने के लिए न्यू जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ करना है। अननेसेसरी फिगर और डाटा शुड नॉट बी प्रेजेंट इन इंफॉर्मेशन सिस्टम। जब इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रेजेंट किया जा रहा है, इंफॉर्मेशन बताया जा रहा है, तब अननेसेसरी कोई भी डायग्राम वगैरह, कोई भी डाटा को उसमें नहीं डालना है, यही सब के बारे में नहीं बताना है। ठीक है, अननेसेसरी जो रहेगा उसको। फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मस्ट बी प्रेजेंट। और यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ये सारे चीज़ को प्रेजेंट करना जरूरी होता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेल्थ मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। फिर देखते हैं आगे, डोमेन्स या फील्ड ऑफ हेल्थ इन्फॉर्मेशन सिस्टम। तो कौन कौन से फील्ड में हमारा हेल्थ इन्फॉर्मेशन सिस्टम दे सकते हैं, इट इंक्लूड डेमोग्राफी, वाइटल स्टैटिक्स, हेल्थ सिस्टम इनपुट आउटपुट, हेल्थ डिटर्मिनेंट्स, हेल्थ इकोनॉमिक, हेल्थ स्टेटस, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसोर्सेज, आउटकम्स, फाइनेंशियल स्टैटिस्टिक,
इन्वायरमेंटल हेल्थ स्टैटिस्टिक, ठीक है। तो इतने सारे एरिया में हम क्या कर सकते हैं, हेल्थ इन्फॉर्मेशन सिस्टम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं इन्फॉर्मेशन प्रोसेस को एक बार, कि कैसे कैसे इन्फॉर्मेशन प्रोसेस होता है। सबसे पहले क्या करेंगे, डाटा कलेक्शन करेंगे। डाटा कलेक्शन करने के बाद उसको क्या करेंगे, ट्रांसमिशन करेंगे। ट्रांसमिशन के बाद उसका प्रोसेसिंग होगा। जैसे आप लोग रिसर्च में पढ़ते हो, ठीक है, कि डाटा कलेक्शन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो वही सारे चीज़ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन में भी यूज़ होते हैं, ठीक है। सेम लाइक दैट रिसर्च में आप लोग जैसे पढ़ते हैं वैसे ही है, ठीक है। तो यहाँ पे डाटा एनालिसिस किया जाएगा। प्रोसेसिंग के बाद फिर आफ्टर डाटा एनालिसिंग इन्फॉर्मिंग फॉर यूज़ इन अ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं प्लानिंग और मैनेजमेंट के लिए। और यहाँ पे देखिए रिसोर्सेज, जो जो रिसोर्सेज है उसको मैनेजमेंट में यूज़ करेंगे, और ऑर्गेनाइजेशनल जो रूल है, ठीक है, मैनेजमेंट का, वो सारा चीज़ यहाँ पे लगाएंगे प्लानिंग एंड मैनेजमेंट में, ठीक। तो ये हमारा इंफॉर्मेशन प्रोसेस रहा। फिर सोर्सेज क्या क्या है हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के, यानी कि हमको कहाँ कहाँ से इंफॉर्मेशन मिलेंगे हेल्थ से रिलेटेड। तो सबसे पहले सेंसस, ठीक है। सेंसस क्या होती है, जनगणना। जो जनगणना होती है, मतलब एवरी 10 ईयर्स में किए जाते हैं, ठीक है। और बहुत सारे सर्वे वगैरह भी होते हैं, जिससे मतलब कि इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। पॉपुलेशन रिगार्डिंग भी इंफॉर्मेशन लिया जाता है सर्वे कर करके, जनगणना करके, और बहुत सारे हैं। तो सोर्सेस हैं, यहाँ पे हम देखते हैं वन बाई वन। तो सेंसस हो गया फर्स्ट। फिर रजिस्ट्रेशन ऑफ वाइटल इवेंट, यानी कि रजिस्ट्रेशन ऑफ वाइटल इवेंट, कितना डेथ रेट है, कितना बर्थ रेट है, और मैरिटल स्टेटस, ठीक है। सारा चीज़ को किस में रजिस्ट्रेशन किया जाता है, वाइटल इवेंट में आ जाता है, ठीक है। इससे भी हमको क्या मिल जाता है, इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे। फिर नोटिफिकेशन ऑफ डिजीज एंड डिजीज़ रजिस्टर, और जितने भी हमारा डिजीज़, न्यू डिजीज़ आ रहे हैं, डिजीज़ के रजिस्टर है, उसको देख करके भी हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट ऑफ हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल्स में पिछला जो रिकॉर्ड रिपोर्ट है, अभी करेंट रिकॉर्ड रिपोर्ट है, कितने डिजीज़ अभी, कौन से डिजीज़ की सीवियरिटी कितनी है, कौन से केसेस ज़्यादा मिल रहे हैं, या कौन से पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं, कौन सी डिजीज़ कौन से एज वाले पेशेंट को ज़्यादा अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। मेल को अफेक्ट कर रहे हैं कि फीमेल को अफेक्ट कर रहे हैं, तो सारा जो रिकॉर्ड रिपोर्ट है वो कि कहाँ से मिल जाएंगे हमको, हॉस्पिटल से मिल जाएंगे, ठीक है। स्टैटिस्टिक रिगार्डिंग इन्वायरमेंटल हेल्थ, फिर जो भी इन्वायरमेंटल हेल्थ है उसका स्टैटिस्टिक देखना। स्टैटिस्टिक रिगार्डिंग हेल्थ रिसोर्सेज एंड सर्विसेज, जो भी सर्विसेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं हेल्थ से रिलेटेड, जो जो रिसोर्सेज है उसका भी स्टैटिकल एनालिसिस करना, ठीक है। यहाँ से भी हमको इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। साथ में सैम्पल सर्वे, जो मैंने बताया था नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जो सर्वे किया जाता है वो, ठीक है। पॉपुलेशन सर्वे, यानी कि होल पॉपुलेशन का लेंगे, और पॉपुलेशन में भी में से कुछ लोगों का लेंगे, उसको सैम्पल सर्वे बोलेंगे। फिर स्टैटिस्टिक रिगार्डिंग एफर्ट टू चेक एपिडेमियोलॉजिकल डिजीज एंड रिसर्च इन दिस फील्ड, ठीक है। और क्या करेंगे, जो भी एपिडेमियोलॉजी की, यानी कि इन्वायरमेंट में हमारा जो डिजीज़ है उससे रिलेटेड रिसर्च स्टडी करके भी हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। स्कूल रिकॉर्ड चेक करके भी मेंटल स्टेटस बच्चे लोग का और ग्रोथ, ये सारा चीज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं सोर्सेस, ठीक है। ये भी एक सोर्सेस है स्कूल रिकॉर्ड। इकोनॉमिक प्लानिंग से भी हम इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर सकते हैं, प्लान ऑफ सोशल सिक्योरिटी। तो ये सारे क्या हैं, हमारे सोर्सेस हैं HI हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के। तो यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम ऑफ कंस्ट्रेंट ऑफ हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इन इंडिया। तो हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को कंस्ट्रेंट करने के लिए, यानी कि बनाने के लिए कौन कौन से कौन कौन से प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आता है स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, ठीक है। स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम कैसे, कौन कौन से होंगे, मल्टीप्लिसिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड डिपार्टमेंट जो है हमारा, जिस सेक्टर में अपन काम कर रहे हो वो बहुत मल्टीप्लिसिटी है, ठीक है, इंस्टीट्यूशन एंड डिपार्टमेंट को, तो वो भी अफेक्ट करेगा हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम को। फिर फ्रेगमेंटेशन ऑफ डाटा का मतलब कि वैलिडिटी ना होना, रिलायबिलिटी ना होना, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन ऑफ डाटा, ये भी हमारे इंफॉर्मेशन में प्रॉब्लम करेगा। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी फॉर स्टोरेज एंड मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, जो भी हम रिकॉर्ड रिपोर्ट इकट्ठा कर रहे हैं, जो भी डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, फैसिलिटी की लैक होने की वजह से, तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा।
सेकंड जो है प्रोसीजरल प्रॉब्लम, फर्स्ट था स्ट्रक्चरल, सेकंड है प्रोसीजरल प्रॉब्लम, ठीक है। तो प्रोसीजरल में क्या है, एक्सेसिव इन्फॉर्मेशन, जरूरत से ज़्यादा डाटा इकट्ठा कर लेना भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इंक्रिप्शन या हिडन इशू, और कुछ कुछ डाटा ऐसे होते हैं जिसमें कुछ हिडन इशू भी हो सकते हैं। फिर एक्सेसिव इन्फॉर्मेशन सेल्डम यूज्ड, ओवरबर्डन ऑफ कलेक्शन एंड रिकॉर्डिंग ऑफ डाटा अलॉन्ग विथ जनरल हेल्थ केयर, और ओवरबर्डन हो जाने की वजह से डाटा कलेक्शन या रिकॉर्डिंग में, इससे भी हमारे इन्फॉर्मेशन का जो सिस्टम है वो अच्छा नहीं रहेगा। फिर आता है इनकम्प्लीट अनरिलायबल एंड इंटरनेशनल मैनेज्ड इन्फॉर्मेशन। तो जो डाटा है वो इनकम्प्लीट होंगे, अनरिलायबल होंगे, तो वो भी अफेक्ट करेगा हमारे हेल्थ मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम को, तो वो भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है। फिर आगे प्रोसीजरल में ही और है, तो रिपीटेशन ऑफ जनरल इन्फॉर्मेशन, बार बार एक ही डाटा को अपन हम बार बार यूज़ करेंगे तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इनअप्रोप्रिएट फॉर्म कार्ड्स रिपोर्ट, ठीक है, जो हम यूज़ कर रहे हैं जो फॉर्म्स, ठीक है, इनअप्रोप्रिएट होंगे, जो हम रिपोर्ट्स वगैरह यूज़ करें वो इनअप्रोप्रिएट रिपीटेशन रहेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे ही। लेस इंटरेस्ट ऑफ यूज़र इन इंफॉर्मेशन, और जो जो इन्फॉर्मेशन हेल्थ इन्फॉर्मेशन सिस्टम में जो वर्क कर रहे हैं, ठीक है, उनमें अगर इंटरेस्ट नहीं है तो ये भी एक प्रॉब्लम है। फिर टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर, ये तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर है ही, कि जैसे हम अपन को कहीं का कोई भी डिजीज से रिलेटेड डाटा कलेक्ट करना है, जैसे अभी COVID-19 है, ठीक है, COVID-19 से रिलेटेड डाटा कलेक्शन किया जा रहा है, मतलब वर्ल्ड में पूरे सारे कंट्री में ये जो है डिजीज़ जो है, ठीक है, बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, और इससे रिलेटेड सभी जगहों से डाटा कलेक्ट किया जा रहा है, तो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी है। फिर आता है कंफ्यूजिंग कोडिंग लॉन्ग लिस्ट ऑफ इंडिसेस, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूजिंग कोडिंग का मतलब ये है कि अपन डाटा कलेक्ट कर लिए रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसको कोडिंग में, उसकी लिस्टिंग बनाने में, उसको एनालिसिस करने में प्रॉब्लम हो सकता है, कन्फ्यूजन आ सकते हैं। एब्सेंस ऑफ फीडबैक ऑफ टू इंफॉर्मेशन सप्लायर्स, ठीक है, और जहाँ पे अपन इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है, वहाँ से हमको फीडबैक नहीं मिल पा रहा है, तो ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। फिर उसके बाद रिलेटेड टू कंटेंट, जो भी हमारे कंटेंट है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो मोस्टली सर्विसेज यूटिलाइजेशन स्टैटिस्टिक, तो बहुत ज़्यादा सर्विसेज जो है यूटिलाइज करने लगते हैं स्टैटिस्टिक को, ओनली समराइज्ड इंफॉर्मेशन रिच एट अ हायर लेवल, और जो भी अपन इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उसमें से केवल हमारा जो इन्फॉर्मेशन है उसमें का ओनली समराइज पार्ट बस पहुंच पा रहा है हाईएस्ट लेवल तक, यानी कि जो ऑफिसर है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, वहां तक बस कुछ पार्ट यानी कि समराइजेशन ही पहुंच पा रहा है, पूरा होल प्रॉब्लम नहीं पहुंच पा रहा है, होल डाटा नहीं पहुंच पा रही, ठीक है, ओवरऑल। तो ये भी क्या अगर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। लेस इम्फोसाइज ऑन सोशियो इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन, नो यूज़र फ्रेंडली, ठीक है। तो ये सारे जो है प्रॉब्लम है रिलेटेड टू कंटेंट में। फिर उसके बाद रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स यानी कि ठीक से स्टाफिंग या मैन पावर न मिल पाना, ठीक है। एब्सेंस और लैक ऑफ स्किल्ड मेडिकल रिकॉर्ड प्रोफेशनल, तो स्किल्ड मेडिकल रिकॉर्ड प्रोफेशनल ना मिल पाना। लैक ऑफ अप्रोप्रिएट फॉर इन सर्विस ट्रेनिंग उनका ठीक से नहीं होना फॉर द स्टाफ के लिए। हेल्थ केयर प्रोवाइडर, नर्स, बायोमेडिकल ट्रेन पर्सन आर कलेक्टिंग एंड प्रिपेयरिंग डाटा। लैक ऑफ मोटिवेशन, एक्स्ट्रा इंसेंटिवनेस, ये सारी की चीज़ अगर लैक रहेंगी तो ह्यूमन रिसोर्स को मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम, तो मच मैनुअल पेपर बेस्ड सिस्टम, मतलब टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं कर रहे हैं, पेपर बेस्ड में ही अपन इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, मिसिंग हो सकती है हमारा पेपर जो है। एब्सेंस और लैक ऑफ कंप्यूटराइज डाटाबेस सिस्टम, और कंप्यूटराइज डाटाबेस सिस्टम नहीं है, हम पेपर पेंसिल का ही यूज़ करके डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो तो एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा, ठीक है। तो ये सारे जो है 5 प्रॉब्लम्स है, स्ट्रक्चरल, प्रोसीजरल, रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्सेज, रिलेटेड टू कंटेंट, और यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम। फिर आता है सब सिस्टम या सब कंपोनेंट ऑफ HMIS, ठीक है। तो इसके सब कंपोनेंट कौन कौन से या सब सिस्टम कौन कौन से, तो एपिडेमियोलॉजिकल सर्वाइवलेंस रूटीन, सर्विस रिपोर्ट रिपोर्टिंग, स्पेसिफिक प्रोग्राम रिपोर्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, वाइटल रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये 5 जो है कंपोनेंट है किसके, हेल्थ मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम के। फर्स्ट कौन सा है, एपिडेमियोलॉजिकल सर्वेलेंस, सेकंड कौन सा है, रूटीन सर्विस रिपोर्ट,
थर्ड स्पेसिफिक प्रोग्राम रिपोर्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एंड वाइटल रजिस्ट्रेशन। तो वन बाई वन एक एक को देखते हैं थोड़ा थोड़ा, दो दो लाइन। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए एपिडेमियोलॉजिकल सर्विलेंस, इसमें क्या आता है, आइडेंटिफिकेशन नोटिफिकेशन ऑफ डिजीज एंड रिस्क फैक्टर, इन्वेस्टिगेशन फॉलोअप कंट्रोल मेजर्स। ठीक है, तो एपिडेमियोलॉजिकल सर्विलेंस में क्या क्या आएंगे आपके, जैसे कोई कोई न्यू न्यू डिजीज़ है उसके रिस्क फैक्टर क्या है, इन्वेस्टिगेशन क्या क्या हो रहे हैं, तो जितने भी एपिडेमियोलॉजी में आप लोग पढ़ते हैं डिजीज से रिलेटेड वो सारा चीज़ इसमें आ जाएंगे आप लोग का। ठीक है, फिर रूटीन सर्विस रिपोर्ट, रूटीन सर्विस रिपोर्ट में हॉस्पिटल हेल्थ सेंटर बेस्ड इंडिकेटर ऑन परफॉर्मेंस ऑफ द वेरियस सर्विसेज। ठीक है, जितने भी सर्विस के परफॉर्मेंस हो रहे हैं हेल्थ सेक्टर में वो रूटीन रिपोर्टिंग में आ जाएंगे। फिर उसके बाद स्पेसिफिक प्रोग्राम रिपोर्ट, वेरियस प्रोग्राम इन अ ऑपरेशन इन अ पर्टिकुलर कंट्री टॉपिकली इंक्लूड RCH प्रोग्राम, एड्स प्रोग्राम, मलेरिया, TB, लेप्रोसिस, इंटीग्रेटेड चाइल्ड हेल्थ एंड मैनी अदर प्रोग्राम्स अंडर डिफरेंट डिपार्टमेंट। तो स्पेसिफिक प्रोग्राम रिपोर्टिंग में जितने भी प्रोग्राम होते हैं, कौन कौन से न्यू लॉन्च हो रहे हैं, कौन से रिपीट हो रहा है, रिवाइज किया जा रहा है, सारा प्रोग्राम इसके अंदर में आ जाएगा। फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, अकाउंट एंड फाइनेंशियल सिस्टम, ड्रग मैनेजमेंट, प्रोक्रूमेंट, स्टोरेज एंड डिलीवरी, पर्सनल मैनेजमेंट, असेसमेंट मैनेजमेंट, इक्विपमेंट, बजटिंग, बिल्डिंग, मेंटेनेंस सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में ये होंगे कि कितने अपन के पास फाइनेंशियल है, कितने ड्रग्स हैं, मेडिसिन है, इक्विपमेंट क्या क्या है, बिल्डिंग कौन सा है। ठीक है, तो ये सारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल का है मैनेजमेंट वो इसमें आ जाएंगे। साथ में लास्ट है वाइटल रजिस्ट्रेशन, तो बर्थ रेट, डेथ रेट, मैरिज, माइग्रेशन। ठीक है, ये सारा चीज़ें इसमें आ जाएंगे। तो ये पांच जो है सब टाइप में हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के, एपिडेमियोलॉजिकल सर्विलेंस फर्स्ट। ठीक है, तो इसमें एपिडेमियोलॉजी से डिजीज से रिलेटेड पूरा आ जाएगा। फिर रूटीन सर्विस रिपोर्टिंग, हॉस्पिटल में कितने रूटीन सर्विस प्रोवाइड किए जाते हैं या रूटीन सेंटर। ठीक है, हेल्थ सेंटर बेस्ड, तो क्या क्या वेरियस सर्विसेज है वो सारा चीज़ रूटीन सर्विसेज में आएंगे। फिर स्पेसिफिक प्रोग्राम में सारे प्रोग्राम से रिलेटेड होंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव में आपका फाइनेंशियल, बजटिंग, ड्रग मैनेजमेंट, इक्विपमेंट, स्टोरेज, ये सारा चीज़ आ जाएगा। फिर उसके बाद वाइटल रजिस्ट्रेशन, बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन। ठीक है, तो ये जो है पांच सब टाइप है HMIS का। ठीक है, फिर उसके बाद नीड ऑफ HMIS हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की क्या क्या नीड हुए। फर्स्ट इज अ मेजरमेंट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ। ठीक है, जो कम्युनिटी का हेल्थ है उसको मेजरमेंट करने के लिए, कम्युनिटी डायग्नोस करने के लिए, फाइंडिंग सॉल्यूशन टू द हेल्थ प्रॉब्लम में जो जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन करने में, और प्रियोरिटाइजेशन, प्लानिंग ऑफ इंटरवेंशन कि अपन को इस डिजीज़ में कौन सा इंटरवेंशन देना है उसकी प्लानिंग कर सके, डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग हेल्थ प्रोग्राम, जो हेल्थ प्रोग्राम है उसको डायरेक्ट कर सके और कंट्रोल कर सके। साथ में डेवलपिंग ऑफ प्रोसीजर, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन एंड मेथड ऑफ कलेक्शन, एनालिसिस, स्टोरेज, रिट्रेवल ऑफ डाटा, स्टेबलाइजिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन स्टैंडर्ड, केयरिंग ऑन परफॉर्मेंस अप्राइजल, डिटर्मिनेशन ऑफ मीट एंड अनमीट हेल्थ नीडेड, मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन ऑफ हेल्थ प्रोग्राम, कैरी आउट IEC एक्टिविटी यानी कि इंटर कम्युनिकेशन वाला जो है ये एजुकेशन कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन एक्टिविटी फॉर कम्युनिटी एंड डिसीजन मेकर्स। फिर उसके बाद डिमांड सोशल सपोर्ट फॉर हेल्थ एक्टिविटीज, सोशल हेल्थ लेजिग्नेशन। ठीक है, तो इतने सारे जो पॉइंट है नीड्स हैं हमको, ये सारे पॉइंट आ जाएंगे नीड्स ऑफ हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के। फिर उसके बाद स्टेप्स कौन कौन से हैं इसमें, तो स्टेप्स देख लेते हैं। आइडेंटिफाई इंफॉर्मेशन नीड इन फेसिबल इंडिकेटर, सबसे पहले इसमें जो है 6 स्टेप है आपके। ठीक है, 6 स्टेप में क्या कहेंगे, सबसे पहले अपन इंफॉर्मेशन को क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, नीड और उसके फेसिबल इंडिकेटर कौन कौन से उसको आइडेंटिफाई करेंगे। फिर उसके बाद डिफाइनिंग डाटा सोर्सेज, जो हम अपन को डाटा सोर्सेज कहाँ से मिलेंगे उसको डिफाइन करेंगे, एंड डेवलपिंग डाटा कलेक्शन यानी कि फर्स्टली अपन आइडेंटिफाई करेंगे अपन को कौन सा इन्फॉर्मेशन देखना है, फिर उसके बाद उसको डिफाइन करेंगे उसके सोर्सेज क्या है और डाटा कैसे कलेक्ट करना है उसको डिफाइन करेंगे। फिर उसके बाद डेवलपिंग एंड डाटा ट्रांसमिशन, फिर उसके बाद डाटा को अपन ने कलेक्ट कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, फिर उसका ट्रांसमिशन कैसे होगा उसको देखेंगे। फिर इंश्योरिंग यूज़ ऑफ द इंफॉर्मेशन जनरेटेड, फिर उसको यूज़ करना है। फिर प्लानिंग फॉर हेल्थ
मिस रिसोर्सेज, फिर उसके जो हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है प्लानिंग करना है, फिर उसको ऑर्गेनाइजिंग करना है, ठीक है। डेवलपिंग अ सेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रूल्स फॉर हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट, फिर ऑर्गेनाइज करना है। तो यहाँ पे ये है कि फर्स्ट की आइडेंटिफाई करना है इन्फॉर्मेशन को, सेकेंड में डाटा को कलेक्ट करना है, डाटा रिसोर्सेज को सोर्सेज को देखना है, फिर डेवलप करना है, ट्रांसमिशन कैसे करना है उसको देखना है, फिर उसके बाद इन्फॉर्मेशन को जनरेट करना है, जनरेट करने के बाद प्लानिंग, प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजेशन। तो ये 6 स्टेप जो है हेल्थ मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम में आएंगे। फिर उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन, तो सबसे पहले जो हेल्थ सेक्टर है वहाँ पे इन्फॉर्मेशन कैसे कैसे कौन कौन से वे में होते हैं, ठीक है। तो जो सब सेंटर है विलेज लेवल पे वो पीएचसी लेवल पे देंगे, पीएचसी लेवल का जो इन्फॉर्मेशन है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आएगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो इन्फॉर्मेशन वो स्टेट लेवल, स्टेट से वो सेंट्रल लेवल। तो ऐसे करके इन्फॉर्मेशन जो है फर्स्ट सेक्टर से वन सेक्टर से दूसरे सेक्टर में आते हैं, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, तो यहाँ पे सब सेंट्रल लेवल, सब सेंट्रल लेवल पीएससी द पर्सन, यहीं पे हम लोग देख लेते हैं, मैं इसका एक एक बार दिखा दूंगी आप लोगों को। जैसे सब सेंटर में क्या होता है, एएनएम वर्कर्स होते हैं, ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे जितने भी विलेजेस हैं वहाँ का, फिर और किसको देंगे इन्फॉर्मेशन, पीएचसी सेंटर को, ठीक है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर को। तो यहाँ कौन कौन वर्कर्स होते हैं, फार्मासिस्ट होते हैं, कंप्यूटर डेजिग्नेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, फिर मतलब जितने भी वर्कर्स होते हैं वो सब सेंटर से इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड रिपोर्ट इकट्ठा करते हैं, फिर और अपने एरिया का साथ में मिला करके किसको देते हैं, डिस्ट्रिक्ट को, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट में है स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, हेल्थ फैमिली वेलफेयर, टीबी मलेरिया लेप्रोसी ऑफिसर, ठीक है। तो इतने सारे जो ऑफिसर होते हैं उनको अपने अपने अकॉर्डिंग जो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाती है ऑल पीएससी सेंटर से। फिर ये जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होते हैं वहाँ से इन्फॉर्मेशन कहाँ जाता है, स्टेट लेवल पे, स्टेट लेवल पे क्या आते हैं, जॉइंट डायरेक्टर स्टैटिस्टिक, ठीक है। फैमिली वेलफेयर, वाइटल स्टैटिक सर्विलेंस, तो यहाँ से स्टेट लेवल पे, स्टेट लेवल के बाद जो सेंट्रल वेलफेयर बोर्ड है, फैमिली हेल्थ और डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली वेलफेयर, ठीक है, CGHS, और यहाँ पे स्टैटिकल डिवीजन डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ SRS हेडक्वार्टर, ठीक है, जो हेडक्वार्टर होते हैं वहाँ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो ये फ्लो है इन्फॉर्मेशन की, कि सबसे पहले अपन सब सेंटर को देंगे, सब सेंटर के बाद पीएचसी, पीएससी के बाद डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के बाद सबसे स्टेट लेवल, स्टेट लेवल के बाद सेंट्रल लेवल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए होम बेस्ड रिकॉर्ड होते हैं, हेल्थ वर्कर बेस्ड रिकॉर्ड सब सेंटर में, तो रिकॉर्ड में यहाँ पे इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड हो गया, ग्रोथ मॉनिटर, मटर्नल हेल्थ, ठीक है, और हेल्थ वर्कर बेस्ड रिकॉर्ड में आता है प्रेगनेंसी, बर्थ कार्ड, डेथ रिपोर्ट, चाइल्ड रिकॉर्ड, वुमेंस रजिस्ट्रेशन, वर्कर्स वर्क फॉर्म, ठीक है। तो ये सारे जो है सब सेंट्रल लेवल यानी कि जो NM वर्कर्स होते हैं वो उन लोग करते हैं ये काम को। फिर रिकॉर्ड एट सब सेंट्रल लेवल, एलिजिबल कपल रजिस्ट्रेशन इंक्लूड कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ रजिस्ट्रेशन, एंटीनेटल, इंटरनेटल, पोस्टनेटल, मतलब जितने भी वर्क आते हैं सब सेंटर में वो यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। फिर बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन, ड्रग रजिस्ट्रेशन, इक्विपमेंट, फर्नीचर एंड अदर एसेसरीज रजिस्ट्रेशन, तो सारे ये जो रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड है वो सब सेंटर लेवल पे होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कम्युनिकेबल डिजीज, इपिडेमिक डिजीज, पैसिव सर्विलेंस, रजिस्ट्रेशन और रिकॉर्ड, जननी सुरक्षा योजना, रजिस्ट्रेशन मेंटेनेंस अकॉर्डिंग टू इंक्लूड अनटाइडी यूनाइटेड फंड्स, कितने फंड्स मिल रहे हैं, ये सारा चीज़ का रजिस्ट्रेशन किया जाता है, रजिस्ट्रेशन वाटर क्वालिटी एंड सैनिटेशन, माइनर एलिमेंट रजिस्ट्रेशन, रिकॉर्ड एंड रजिस्ट्रेशन पर वेरियस नेशनल प्रोग्राम। तो ये सारे चीज़ का रजिस्ट्रेशन कहाँ होता है, सब सेंटर में। फिर वैसे ही अपन पीएचसी सेंटर में भी रिकॉर्ड्स होते हैं मंथली, परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी होता है कि कितने इम्यूनाइजेशन या कौन कौन से प्रोग्राम चलाए गए हैं, इन्वेंट्री रिपोर्ट होता है, जितने ड्रग हैं, इक्विपमेंट है, वैक्सीन है, ORS ड्रग, ये सारी चीज़ का इन्वेंट्री होता है। फिर बेसिक इक्विपमेंट, फैसिलिटी, कंटेंट ऑफ रिपोर्ट, तो यहाँ पे सेफ मदरहुड, फैमिली प्लानिंग, चाइल्ड केयर, न्यू संजीवनी योजना, IEC, इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन, PNVBDCP, ठीक है। तो ये सारे जो कंटेंट है किस में आ जाएंगे आपके पीएचसी लेवल पे। फिर उसके बाद प्राइमरी हेल्थ सेंटर, द डाटा दस ऑब्टेन फ्रॉम द सब सेंटर एंड फ्रॉम द पीएचसी आर कंप्लीटेड एट पीएचसी इन द प्रोवाइड फॉर्मेट फॉर पीएचसी, ठीक है। तो यहाँ पे ये है, द डाटा हैज़ टू बी इंटर्ड बाय 6 to 7 ऑफ द मंथ, ठीक है। तो यहाँ पे जो जितने भी सब सेंटर से अपन को इन्फॉर्मेशन मिलेंगे वो हमारे पीएचसी सेंटर में आएंगे, ठीक है। पीएचसी सेंटर में आने के बाद उसको कहाँ भेजा जाएगा, पीएचसी के बाद
जो सीएससी है, सीएससी यानी कि डिस्ट्रिक्ट वगैरह वहाँ भेजा जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके पूरे जो है इंफॉर्मेशन यहाँ पे डाटा को सेंड किया जाएगा स्टेट लेवल से डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टेट लेवल, स्टेट लेवल से जो हमारा। तो यहाँ पे आप इसको नोट्स बना लीजिएगा अगर आपको बनाना है तो। मैंने फ्लो चार्ट बता दिया था, सेम वैसे ही आपको जो इन्फॉर्मेशन है डाटा कलेक्शन, ठीक है, इन्फॉर्मेशन को वैसे ही वहाँ पे सेंड किया जाता है। और जो इन्फॉर्मेशन को सेंड करने का ही प्रोसेस है वही अपन लोग इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार एडवांटेज ऑफ कंप्यूटराइजेशन को देख लेते हैं। मोर स्पीड कम्युनिकेशन ऑफ डाटा, ठीक है, डाटा को इजिली कम्युनिकेट किया जा सकता है। एट नेशनल स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रोसेसिंग कैन बी डन फॉर वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन ऑब्टेनिंग कवरेज लेवल फॉर वेरियस एक्टिविटीज। मतलब कि अपन कंप्यूटर से, कंप्यूटर में इन्फॉर्मेशन को रख के वहाँ से सेंड कर रहे हैं तो क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, तो ये बताया गया है कि बहुत ज़्यादा ईजिली हम उसको सेंड कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को, और ईजिली प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, ठीक है। एज स्पेसिफिक, एरिया स्पेसिफिक फिगर बना सकते हैं, चेक सस्पेक्ट डाटा फ्रॉम PHCs, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम रिक्वायरिंग रिसर्च, प्रॉम्प्ट रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट, अचीव डाटा स्टैंडर्ड एंड डाटा फॉर कंपेरेटिव पर्पस, ठीक है। तो इतने सारे जो फायदे हैं हमको अगर कंप्यूटराइजेशन हम अपन यूज़ करते हैं तो पेपर पेंसिल को छोड़ करके, ठीक है। फिर देखते हैं आगे, तो बेनिफिट्स क्या क्या हैं हमारे हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की। हेल्पिंग डिसीजन मेकर टू डिटेक्ट एंड कंट्रोल इमर्जिंग एंड एंडेमिक हेल्थ प्रॉब्लम, जो भी हेल्थ प्रॉब्लम है इमरजेंसी या एंडेमिक है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। मॉनिटरिंग प्रोग्रेस टूवर्ड हेल्थ गोल एंड प्रमोट क्वालिटी को प्रमोट किया जाता है, हेल्थ गोल को जो अचीव करने में हेल्प हो सकता है। एम्पावरिंग इंडिविजुअल कम्युनिटीज विथ टाइमली एंड अंडरस्टेबल हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, स्ट्रेंथनिंग द एविडेंस बेस फॉर इफेक्टिव हेल्थ पॉलिसी, परमिटिंग इवोल्यूशन, यानी कि जितने भी अपन को हेल्थ इम्प्रूविंग गवर्नेंस, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी मतलब हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम जो होते हैं वो सारा चीज़ जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व आउट करने में हेल्प करता है, ताकि क्वालिटी और क्वालिटी ऑफ केयर है उसको बढ़ा सके और जो गोल है हमारा उसको अचीव कर सके, ठीक है। तो ये बेनिफिट्स है। फिर उसके बाद नर्सिंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ही होते हैं नेम्स, ठीक है, बट ये आप लोगों के लिए मतलब यहाँ पे यही है कि नर्सिंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की नर्स का क्या क्या मैनेजमेंट होते हैं, तो आप लोग इसमें नर्स से रिलेटेड ऐसे ही लिख सकते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ नेम्स। तो NMIS, वर्कलोड मेजरमेंट एंड स्टाफिंग रिक्वायरमेंट, पर्सनल मैनेजमेंट, स्टाफ शेड्यूलिंग, फिस्कल रिसोर्सेस मैनेजमेंट, तो ये सारे यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा रहा हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। आई होप कि आपको क्लासेस अच्छी लगी होगी, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी क्लास, और आगे के और नेक्स्ट क्लासेस चाहिए कि नहीं चाहिए वो भी कमेंट करके बताइएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड लक।